मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी पिछले कई दिनों से एक साथ मिल बैठकर इस बात पे विचार कर रहे हैं कि हमारा जीवन जो रोज बीतता जा रहा है उसे हम किस तरह संभालें, उसे किस दिशा में हम आगे ले जाएं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके, अच्छा बन सके। मेरे ख्याल से सभी के मन में अपने जीवन को अच्छा बिताने की भावना होती है, अपने आसपास का परिवेश भी अच्छा बनाने की भावना होती है, लेकिन चाहे जो भी कारण हो, हमारी अपनी पुरुषार्थहीनता हो या सर्कमस्टेंसेस अनफेवरेबल हो या हमारे भीतर उस तरह का विचार ही ना हो, जो भी कारण हो, पर हम देखते हैं कि दिनों दिन जैसा जीवन हम पसंद करते हैं वैसा जीवन हमारे हाथ से खिसकता जाता है और जैसा जीवन हम पसंद नहीं करते हैं वैसा जीवन हमें जीना पड़ता है। इसे हम अपनी मजबूरी मान लेते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी, कहीं ना कहीं कोई कमी हमारे भीतर ही होती है। उस कमी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता। हम बैठे हैं और इस बात पर विचार करने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अपना स्वयं का निरीक्षण करने के लिए, अपने आप से मुकातिफ होने के लिए, अपने आप को बहुत स्पष्ट देख पाने के लिए। यदि हम अपने जीवन को बहुत गौर से देखते हैं, दूसरे के संदर्भ में नहीं देखते हैं, तो शायद हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। कल मैंने जिस तरह से जीवन जिया था आज मुझे उससे और बेहतर बनाना है। हमेशा से हमारा सोच ये रहा कि उस व्यक्ति का जैसा जीवन है उससे मुझे बेहतर बनाना है, लेकिन ये जो दूसरे के संदर्भ में अपने जीवन के बारे में सोचने की हमारी आदत हो गई है, हम उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर रहे हैं और अपने ही संदर्भ में कि पिछला जीवन मैंने जिस तरह से जिया है और मैंने वैसा नहीं चाहा था जैसा कि मुझे जीना पड़ा है, तो क्यों ना फिर मैं जैसा चाहता हूं वैसा अपने जीवन को जीऊं।
और अपने अंदर वो योग्यता हासिल करूंगा। दूसरे के जीवन से मैं प्रेरणा लेना चाहूं तो ले सकता हूं, लेकिन दूसरे के जीवन से मैं तुलना करूं और अपने जीवन को उस तुलना के दौरान और व्यर्थ ही संक्लेश और अहंकार में डालूं, ये मेरा विचार ठीक नहीं है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम दूसरे किसी के संदर्भ में अपने जीवन का विचार करते हैं तो या तो अपने को उससे बेहतर पाकर के अहंकार कर लेते हैं, या फिर कहीं कोई अपनी कमी दूसरे की अपेक्षा दिखाई पड़ती है तो हम संक्लेशित होते हैं, और दोनों ही स्थितियां हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठाती हैं। हमें अपने जीवन के संदर्भ में स्वयं सोचना चाहिए, हमारी अपनी च्वाइस क्या है। हम जैसा सोचते हैं क्या सचमुच वैसा बनाने के लिए हम अपने जीवन को उत्सुक हैं, या कि सिर्फ हम सोचते हैं। टॉलस्टॉय ने हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ बातें अपने से पूछने के लिए इशारा किया है, और वे छह प्रश्न जो हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए अपने जीवन को यदि हम ऊंचा उठाना चाहते हैं तो। पर उन छह प्रश्नों पर हम विचार करें उससे पहले हम इस बात पर विचार कर लें कि क्या वास्तव में हमने जिस तरह का जीवन जीना तय किया है वो हमारी अपनी च्वाइस है, या कि हमें अपनी च्वाइस के विपरीत अपना जीवन जीना पड़ रहा है। लगता तो ये है कि हमारी अपनी च्वाइस कुछ और है और हमें अपना जीवन कुछ और दूसरे ढंग से जीना पड़ रहा है, पर गौर से देखें जैसा हम जीवन जीते हैं अंततः हम पाते हैं कि वही हमारी च्वाइस है। दो विद्यार्थी एक गुरुजी के पास विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वे आयुर्वेद की शिक्षा ले रहे हैं, और पढ़ाई पूरी होने पर गुरुजी तारीख तय कर देते हैं कि कल परीक्षा होगी, और परीक्षा में दो औषधियां तैयार करनी है दोनों को अलग अलग, एक ज्वर की औषधि तैयार करनी है और दूसरी कोई एक्सीडेंट हो जाने पर जब इंजोर हो जाता है तब उससे कैसे क्योर किया जाए इसकी औषधि तैयार करनी है, दोनों आयुर्वेद की पद्धति से तैयार की जाने वाली औषधियां। दोनों को उसका अच्छा ज्ञान है और दोनों वे औषधियां तैयार करते हैं। गुरुजी जहां उन्हें बुलाते हैं कि इस स्थान पर दोनों औषधियां लेके आना है, बीच के रास्ते में दोनों चले जा रहे हैं। मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है पर इससे जीवन निर्धारित होता है, क्योंकि पहला प्रश्न पूछने के लिए जो कहा गया है वो ये है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ, मेरे अपने जीवन का मेरा अपना सोच क्या है, मेरा अपना लक्ष्य क्या है, जीवन को मैं किस नजरिए से देखता हूं, इस पर निर्भर करता है। ये प्रश्न अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। मैं अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूं तो ये प्रश्न मेरे मन में स्वतः उठना चाहिए और मुझे अपने आप से पूछना चाहिए, और वो दोनों रास्ते से चले जा रहे हैं। पहले वाले को रास्ते में एक बहुत ज्वर से पीड़ित व्यक्ति मिल जाता है, औषधि हाथ में है, गुरुजी ने मंगवाई है, और वो उसकी परीक्षा भी करेंगे कि औषधि ठीक तैयार हुई है कि नहीं हुई है, और लेकर के जाना बहुत जरूरी है। पहले वाले के पास में विचार करने के लिए उतना समय नहीं है, क्योंकि ज्वर से पीड़ित व्यक्ति सामने है और औषधि हाथ में हो तो फिर इस बात का विचार करने की जरूरत नहीं है कि बाद में और कब किसे ये काम आएगी, अभी एट द मोमेंट मुझे इसकी जरूरत है और मेरे पास है, और वो उस रोगी को ज्वर की औषधि पिलाता है, उसका उपचार करता है। वो लगभग बेहोशी की स्थिति में था लेकिन उसका ज्वर कम हो जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराहट देख करके बड़ी तृप्ति महसूस करता है कि ठीक है, और खाली हाथ
बहुत विलंब से गुरु जी के पास पहुंचता है। एक लाइफ स्टाइल ये है, और दूसरी दूसरे के पास में वो सारी औषधियां हैं जिनसे कि कोई बहुत भीषण एक्सीडेंट में अपना ब्लड भी खो चुका है और बहुत बड़ा घाव जिसको हो चुका है और जो मरणांत, ऐसी औषधि है उसके पास कि वो उसे लगा दे तो बच जाएगा। और रास्ते में एक छोटा सा बच्चा किसी एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है और अपनी मां को पुकार रहा है, लेकिन इसके पास ऐसा सोच ही नहीं है। उसने अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ परीक्षाओं को पास करना और उन परीक्षाओं में पास होकर के अपने आप को यश और ख्याति से युक्त, बस इतना ही बनाने के उसका अपना विचार है। क्योंकि यश ख्याति और धन पैसा उसे लगता है कि उसके जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना देगा, और इसलिए वो नहीं रुकता है और अपनी औषधि लेकर के समय से गुरु जी के पास पहुंच जाता है। मुझे इस कहानी का कोई मॉरल अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, इस कहानी का संदेश मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने जीवन का नजरिया हम खुद डिसाइड करते हैं। हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन जीने की मजबूरी कितनी है, ये बहुत बहुत छोटी सी बात है। किसी को भी अपने जीवन को जीने की ऐसी मजबूरी नहीं होती है, वो चाहे तो अपने जीवन का नजरिया बदल के अपने ढंग से जीवन जी सकता है। कितनी भी बाहर से मजबूरियां क्यों ना हो, लेकिन मेरे अपने जीवन का सोच वो मेरे साथ है, उससे बाहरी जीवन में मुझे कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। हम दोनों तरह के जीवन देख रहे हैं, हमें कौन सा जीवन जीना है ये हमें खुद तय करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए और इसका समाधान सोचना चाहिए। पहला समाधान भी है कि खाली हाथ गुरु जी के पास पहुंचा जा सकता है। औषधि तैयार तो की थी लेकिन औषधि मैं आपके पास तक नहीं ले पाया, और अगर औषधि के अभाव में मुझे शून्य नंबर देना हो तो दे सकते हैं, पर मैंने रास्ते में औषधि जो ज्वर से ग्रस्त था उसे पिला दी है। जीवन में हो सकता है कि इस तरह का नजरिया रखने वाले को आखिरी में अभावग्रस्त होकर के अपना जीवन जीना पड़े और खाली हाथ यहां से लौटना पड़े, लेकिन दुनिया की नजरों में वो खाली हाथ लौटता है लेकिन भीतर से वो अत्यंत समृद्ध और भरा पूरा लौटता है। और एक व्यक्ति जो कि तमाम यश ख्याति और वैभव के साथ अपने जीवन को जी करके आखिरी समय तक उसी में लिप्त रह करके भी संसार से विदा लेता है, पर दिखता है कि बहुत भरा पूरा और समृद्ध, लेकिन जितना भीतर से खाली उसका अपना जीवन व्यतीत हुआ है और वो खाली हाथ लौटता है, वो स्वयं व्यक्ति समझता है। हमें अपने भीतर के आत्म संतोष के साथ इस जीवन से लौटना है, विदा लेनी है इस संसार से, या कि बहुत असंतुष्ट और रिक्त अपने जीवन को यहां से विदा देनी है, ये हम खुद चुन सकते हैं। हमारा अपना जीवन का जिस तरह हम जी रहे हैं, दूसरा प्रश्न है कि किसके लिए जी रहे हैं। अगर हम गौर से देखें तो कोई किसी के लिए नहीं जीता है, लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता है। मन तो यही कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूं, मेरे ऊपर समाज की इतनी लायबिलिटीज हैं, मैं अगर वहां से अपने को हटा लूं तो शायद सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मुझे जीना पड़ रहा है। वैसे तो मैं नहीं चाहता ये सब चीजें, लेकिन क्या करूं। वैसे तो मैं परिवार से बिल्कुल विदा लेना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दूं, समाज की जिम्मेदारियों को छोड़ दूं, देश के प्रति मेरे अपने दायित्व को मैं छोड़ दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं।
प्रश्न ये भी नहीं है और समाधान ये भी नहीं है। प्रश्न सिर्फ ये है कि मेरे भीतर ये बात कितनी स्पष्ट है या नहीं है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। असल में किसी के लिए मैं जीता हूं तो मेरे भीतर अहंकार आता है। अगर मेरा कोई नहीं है ऐसा सोच बना करके मैं जीता हूं तो मेरे भीतर संक्लेश आता है। तब फिर मुझे अपने जीवन में क्या सोच के जीना चाहिए? मैं किसी के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं सिर्फ अपने जीवन को जीने के लिए यहां आया हूं, इसलिए जी रहा हूं। मैंने जो अपने जीवन को इस तरह से जीने के लिए पहले से तय किया है, मैं सिर्फ उसे ही जी रहा हूं। और इस जीने में इतने लोग मेरे सहयोगी हैं और उन सब के प्रति मेरा अपना दायित्व है, मैं उस दायित्व को पूरा कर रहा हूं। मेरी वजह से वे सब जी रहे हैं या कि मैं उनकी वजह से जी रहा हूं, ये जो सोच है ये सबके भीतर है। लेकिन मैं तो सिर्फ अपना जीवन जी रहा हूं और इन सब के जीवन के जीने में मेरे से कोई मेरा कोई दायित्व होता है तो मैं उसे पूरा कर रहा हूं और ये भी मेरे प्रति अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। बस इतना ही मेरा सोच होना चाहिए। ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है और बहुत आसान होकर जिया जा सकता है। ये जो अपने माथे पर अपन सारे संसार का बोझ लेके जीते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लड़खड़ा के गिर जाते हैं। और अगर हम ये मान के चलें कि सबके बीच इस बहुत लंबी यात्रा में और मैं भी चल रहा हूं और ये यात्रा मेरी भी और दूसरे की भी आसान हो, मुझे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, मेरे माध्यम से दूसरे की जीवन यात्रा आसान हो और दूसरे के माध्यम से मेरी जीवन यात्रा जहां आसान होती है मैं वहां कृतज्ञ हूं। अगर ऐसा सोच लेकर के मैं इस समाधान को खोजता हूं, मैं अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जी रहा हूं, मैं दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं जी रहा हूं, ऐसा भी जीवन होता है। किसी ने लिखा है कि यहां दो तरह के लोग हैं, एक वे हैं जो अपने लिए अमृत की खोज में निकलते हैं और एक वे हैं जो दूसरे के लिए विष की खोज में निकलते हैं। दोनों के अपने अपने नजरिए हैं। हमें देखना है कि हम किसके लिए जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने लिए अमृत की खोज में न जी रहे हों बल्कि दूसरे के लिए विष खोजने के लिए हमेशा उपाय कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो हमारा जीवन नहीं बीत रहा है। इस बात का भी हमें विचार करना चाहिए। हमारा अपना जो व्यक्तित्व है वो किस तरह का है ये इससे निश्चित हो जाएगा। एक हमारे व्यक्तित्व का अपना व्यक्तिगत अप्रोच है और एक बहुत व्यापक अप्रोच है, जिसको कि गांधी जी ने व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र कहा है। किसके लिए जी रहा हूं? कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ अपने लिए जीते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ अपना जीवन जी रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं ऐसा मेरे अंदर भाव ही नहीं है। मैं अपने जीवन को जी रहा हूं और इसलिए जी रहा हूं कि मेरे साथ जो लोग जी रहे हैं उनका जीवन आसान हो। मेरा सिर्फ सोच इतना है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत चरित्र और मेरा अपना राष्ट्रीय चरित्र, जिसको मैं नाम दे रहा हूं, दोनों ही बहुत इंप्रूव होंगे। मैं उपवास करता हूं, मैं पूजन करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, ये सब चीजें मैं करता हूं, इससे मेरा व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। क्या सचमुच इससे मेरा व्यक्तित्व ऊंचा उठा है? मुझे इस बात का विचार करना चाहिए। या कि मैं दूसरे के जीवन में परोपकार करता हूं, उससे भी मेरा व्यक्तित्व ऊंचा उठता है, वो मेरा अपना राष्ट्रीय चरित्र है। क्या सचमुच मेरा व्यक्तित्व ऊंचा उठा है? इस बात का विचार हमारे मन में होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आज आपसे बहुत कठिन सी बात करने के मूड में हूं। बहुत दिन हो गए, बहुत छोटी छोटी बातें अपन ने करी हैं। हमें आज अपने बारे में इस तरह से बहुत बहुत गौर से विचार करना चाहिए, नहीं तो जीवन तो ऐसे बीतता ही चला जा रहा है और एक बार हमारे हाथ से खिसक जाता है तो दूसरी बार फिर कब हमारे हाथ में वो क्षण आएंगे हम कह नहीं सकते। हमें अपने जीवन के बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम जो भी यहां कर रहे हैं उससे हमारे व्यक्तित्व में ऊंचाई
और अच्छाई आ रही है नहीं आ रही है। रास्ते में ट्रेन में एक बुजुर्ग यात्रा कर रहे हैं, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। और अचानक वो देखते हैं कि एक नौजवान आकर के उस ट्रेन में बैठता है और दोनों पैर सीट पर रख करके और ऐसे बैठ जाता है। डेफिनेट है कि सीट गंदी होगी क्योंकि जूते भी नहीं खोले हैं और जूते सहित उस सीट पर बैठ गए। अब मेरे अपने व्यक्तित्व में अगर ऊंचाई आई है, मेरे व्यक्तित्व में ऊंचाई नहीं आई है तो मैं क्या रिप्लाई दूंगा, और मेरे व्यक्तित्व में ऊंचाई आई है तो मैं क्या रिप्लाई दूंगा, क्या रिएक्शन करूंगा, इस पर निर्भर करता है। मेरे व्यक्तित्व में अगर ऊंचाई नहीं आई है तो मैं रिएक्शन क्या करूंगा, सारी युवा पीढ़ी को एक तरफ से उठा करके जलील करूंगा, यही ना। देख लिया आज के युवाओं का हिसाब, न जूते खोले न कुछ किया, गंदे जूते और सीट पर बैठ गए, सब बिगड़ गया, सब नैतिक पतन हो गया है। एक हमारे व्यक्तित्व को यह चीज, ऐसा कहना ऊंचा नहीं उठाता, यह ध्यान रखना। जहां कहीं कुछ बेतरतीबन है वो अगर हमें दिखाई पड़ता है और उसे हम व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व की ऊंचाई झलकती है, और जहां जो कुछ भी बेतरतीबन है उसकी सिर्फ हम एनालिसिस करते हैं और उसकी बुराई करते हैं तो मानिएगा कि हमारे व्यक्तित्व ने अभी ऊंचाई नहीं पाई है, भले ही उसने बाहर से बहुत ऊंचे ऊंचे काम क्यों ना किया। वो बुजुर्ग कुछ नहीं कह रहे हैं उससे, उनका व्यक्तित्व ऊंचा है। वे अपने थैले में से पुराना पेपर निकालते हैं, कल का न्यूज़पेपर, उसमें से एक पेज निकाल के और उसके पास पहुंचते हैं कि बेटे थोड़े पैर ऊंचे उठाना। क्यों, उठाओ तो। पैर वो ऊंचे उठाता है तो उसके नीचे सीट पर वो कागज बिछा देते हैं, अब अच्छे से पैर रख लो, बैठो, हो गया। दूसरा व्यक्ति आकर के केले खाता है, छिलके वहीं ट्रेन के कोने में फेंक देता है, वही बुजुर्गवार धीरे से उठते हैं, उससे कुछ नहीं कहते हैं और वो केले के छिलके उठा के अपने ओवरकोट की जेब में रख लेते हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व कितना ऊंचा उठा है ये निर्धारित होता है, भले ही हमने घंटे दो घंटे मंदिर में पूजा की हो और चार घंटे स्वाध्याय किया हो और दस घंटे हमने दूसरे को पढ़ाया हो, या कि हम बहुत बहुत संपत्तिवान और वैभववान हो और बहुत वेल एजुकेटेड होंगे, हो सकते हैं सब लोग इस तरह के हैं, लेकिन व्यक्तित्व किस चीज से ऊंचा उठता है ये हमें देखना चाहिए। क्या आप कहेंगे कि उस बुजुर्गवार का व्यक्तित्व बहुत हल्का है जिसने कि उसके जूते उठा करके उसके नीचे कागज बिछा दिया और वहां से छिलके उठा के ओवरकोट में, बड़ा डर्टी मैन, बहुत गंदा आदमी रहा होगा। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो मानिएगा कि हम सबके सोच में भी अभी ऊंचाई नहीं आई है। इसी उदाहरण के सोचने में भी हम सोच लें तो दूसरा प्रश्न, मेरे अपने व्यक्तित्व को मैं ऊंचा किसके लिए उठा रहा हूं? किसी के लिए नहीं, मैं तो सिर्फ अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता हूं, व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के यही तरीके हैं। और वो कहते हैं कि तीसरा प्रश्न, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेजेंट लाइफ, मेरे अपने वर्तमान के जीवन का कारण क्या है, मुझे जिस तरह का जीवन मिला है उसका अपना कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। हमें तो ये लगता है कि मेरे अपने परिवार के लोग ऐसे हैं इसलिए मैं ऐसा हूं, मैं इस समाज में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं ऐसा हूं, मैं इस देश में पैदा हुआ हूं तो इसलिए ऐसा हूं, मैं अगर विदेश में पैदा हुआ होता तो मेरा कलर ज्यादा फेयर होता, और क्या, मेरे अपने सोच का इतना ही तो ढंग है। मेरे पास बहुत अनाप शनाप पैसा होता, मैं अगर फॉरेन में होता तो, और भी पता नहीं किस किस तरह की चीजें हमारे मन में, हम कारण कहां खोजते हैं, बाहर खोजते हैं कारण, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेजेंट लाइफ, मेरे अपने वर्तमान जीवन का कारण हम सब इन सब चीजों में खोजते हैं, जबकि अगर देखें तो मेरे अपने वर्तमान जीवन की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, मेरा अपना पास्ट मेरे अपने प्रेजेंट को और मेरा अपना प्रेजेंट मेरे अपने फ्यूचर को डिसाइड करता है और कोई डिसाइड नहीं करता है।
मैं आज यहां पर अगर अभावग्रस्त हूं, मैं आज यहां पर अगर दुखी हूं, मैं अगर आज यहां पर सुविधा संपन्न हूं, तो इन सब का कारण मेरे ही भीतर छिपा हुआ है। लेकिन अगर हम अभावग्रस्त हैं तो हमारा अपना रोना अलग है, हमारे अपने ढंग अलग हैं। हमारा अभावग्रस्त हैं तो हम सारे फंक्शन को, सारे सिस्टम को दोषी ठहराएंगे। जैसे कार्ल मार्क्स, शोषण है संसार में इसलिए सब दुखी हैं, साम्यवाद आना चाहिए। सबके अपने अपने इस तरह के सोच हैं, लेकिन किसी के मन में यह नहीं है कि मेरे भीतर साम्यभाव आना चाहिए, समाज में साम्यवाद आना चाहिए, बड़े छोटे का भेद मिट जाना चाहिए, जिनके पास दो कारें हैं उनको, जिसके पास कार नहीं उसको दे देना चाहिए, यही साम्यवाद। ऐसा नहीं है, हमारे भीतर उसका कारण है। अगर मैं अभावग्रस्त हूं, अगर मैं गरीब हूं, तो उस गरीबी का कारण मेरे भीतर है। अगर मेरे पास धन संपत्ति है और अनाप शनाप है, तो उसका कारण भी मेरे पास है। फिर इस बात का रोना रोने की आवश्यकता नहीं है कि मैं गरीब क्यों हूं, और इस बात का अहंकार करने की जरूरत नहीं है कि मैं अमीर क्यों हूं। दोनों ही चीजें, पता नहीं टॉलस्टॉय ने क्या सोच करके इन प्रश्नों को लिखा होगा और इनके समाधान क्या दिए होंगे। किसी ने मेरे से पूछा था कि इन प्रश्नों के टॉलस्टॉय के क्या उत्तर हैं, तो मैंने कहा मुझे ज्यादा उसके बारे में नहीं मालूम, पर प्रश्न अच्छे लगे इसलिए मैं उनके उत्तर अपने हिसाब से, पता नहीं आपको भी मेरे ये उत्तर पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रश्न तो मैं आपको दे रहा हूं, वो मेरे नहीं है, पर उत्तर मैंने थोड़े से इधर उधर पढ़ करके खोजे हैं, अपने जीवन में भी थोड़ा सा खोजा है कि शायद इसका उत्तर यही होना चाहिए समाधान। आप भी खोजिएगा, मैं तो सिर्फ प्रश्न दे रहा हूं और एक प्रॉबेबल आंसर दे रहा हूं। मेरा एग्जैक्ट आंसर है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। आंसर आपको खुद खोजना चाहिए इन प्रश्नों के, कि मेरे अपने जीवन का, मैं जिस तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर हूं, उस तरह के जीवन का कारण क्या है? कहीं कोई बाहर है क्या? मुझे अच्छा परिवार नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूं? मुझे अच्छा परिवार मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा? मुझे अच्छा शहर नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूं? मेरा विकास ही नहीं हो पाता इस छोटे से शहर में, मैं जरा बंबई में होता तो ज्यादा सुखी होता। हम सबके अपने, यही तो समाधान है उसके। हमारे अपने दुख को हम बाहर ढूंढते हैं उसका कारण, हमारे अपने सुख का कारण भी हम बाहर ढूंढते हैं। और अब आजकल क्या, हमेशा से ऐसा चलता आया है, कहने में आ जाता है, जब कभी भी किसी को कोई चीज नहीं मिलती है तो फिर हम क्या कहते हैं, मान लो यहीं पर भी, और अगर किसी को प्रायोरिटी मिल जाए और किसी को ना मिले, तो वो सबसे पहले क्या कहेगा, अरे भैया अपन तो गरीब आदमी हैं, कौन पूछता है अपन को, ये तो सब बड़े बड़े लोगों का काम है, यहाँ तो बड़े लोगों की चलती है। ऐसा कहने में आता है, अपने भीतर आता है। जरा इसको एनालाइज करें कि ऐसा जो मैं कह रहा हूं वो शिकायती तौर पर कह रहा हूं या कि सचमुच मैं उसको रियलाइज कर रहा हूं। बहुत बहुत बारीक एनालिसिस करना पड़ेगा अपना खुद का, अपने विचारों का, किसी दूसरे के संदर्भ में बिल्कुल नहीं। सब इंडिविजुअल ये मान के चलें कि अपन सब एक दूसरे, मैं भी अपने जीवन के बारे में विचार कर रहा हूं, मेरे मन में भी इस तरह के विचार आ जाते हैं, मुझे भी उसमें शामिल रखिएगा। हम सबके भीतर ऐसी बातें आती हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैं अगर किसी चीज में पीछे हूं तो पीछे होने का कारण किसी का आगे होना नहीं है। मेरे अपने पीछे होने का कारण मेरे अपने भीतर है, लेकिन मजा यह है कि मेरे अपने पीछे होने का कारण मैं अपने से जो जो आगे हैं उनको मानता हूं, और फिर मेरी सारी कोशिश होती उनको पीछे करने की, अपने को आगे करने की बिल्कुल कोशिश नहीं होती, और यहीं जाकर के हम चूक जाते हैं। काश अगर हमें दूसरे से आगे निकलने की नहीं, सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने की सोच होती, तब फिर हमारे भीतर इस तरह का मिथ्या विचार ही नहीं आता कि मैं पीछे हूं। लेकिन क्या करें, हम सब इसी होड़ में हैं। हम अपने दुख और सुख, इन दोनों का कारण कहीं बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि हमारे दुख और सुख का कारण हमारे अपने भीतर है। वर्तमान में मैं दुखी हूं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वर्तमान में अगर मुझे सुख सुविधा के साधन मिले हैं और मैं अपने को सुखी मानता हूं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बाहर बाहर तो बहुत थोड़े बहुत लोग निमित्त बनते हैं, पर वो तो निमित्त हैं, मेरा अपना जो उपादान है, मेरी अपनी जो योग्यता है, तो मेरी अपनी स्वयं की है। मेरे ख्याल से तो समाधान यही होना चाहिए, तो बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी।
फिर ना हम शिकायत करेंगे किसी से, ना हम किसी से कंपेयर करेंगे। जब कारण मेरे ही भीतर मौजूद है तो किसी से क्या शिकायत करनी और क्या अहंकार करना उस बात का और क्या संक्लेश करना उस बात का। बस इतना ही करना कि मुझे मालूम पड़ गया है कि अगर मैं गरीब हूं तो मेरी गरीबी के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैंने पिछले जीवन में सब जोड़ जोड़ के रखा होगा, कंजूसी करी होगी, इसलिए आज जो है मेरे पास दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं। कल तो जब मेरे पास सब कुछ था देने के लिए तब मैंने नहीं दिया था, आज मैं तड़फता हूं उस चीज के कि मैं किसी को कुछ दे दूं लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। मेरा अपना ही कोई जीवन का ऐसा कारण रहा होगा जिससे कि आज मेरी ये स्थिति है। मैंने किसी व्यक्ति को सुख पहुंचाने के उपाय नहीं किए होंगे इसलिए आज दूसरे के द्वारा मुझे सुख मिले, मैं देखता हूं मिलता ही नहीं है। मैं दुखी हूं तो मैंने किसी और के सुख सुविधाओं के साधन में अंतराय डाला होगा इसलिए मैं आज दुखी हूं। मैंने कभी किसी के सुख से ईर्ष्या की होगी इसलिए आज मैं दुखी हूं। मुझे कल किसी का सुख अच्छा नहीं जान पड़ा होगा इसलिए आज मुझे दुख भोज। और ध्यान रखना, जब जब भी हम दूसरे के सुख से ईर्ष्या करते हैं तो दूसरे को दुखी नहीं बनाते हैं बल्कि स्वयं अपने दुख का इंतजाम करते हैं अपने हाथ से। उसका क्या कारण है? कहीं कोई कारण नहीं है, वो मेरे भीतर है, मेरे अंदर मैंने जिस तरह के भाव बना रखे हैं उस तरह का कारण है। और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैरिट एंड डीमेरिट इन माय लाइफ, मैं अपने से पूछूं कि इस पुण्य और पाप का मेरे जीवन में महत्व क्या है। मैं जानता हूं कि ये पाप है और मैं जानता हूं कि ये पुण्य है, इसके जानने से मेरे जीवन में लाभ क्या हुआ? हुआ कुछ लाभ? मेरे ख्याल से तो जिसको नहीं मालूम है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है वो भी अपना जीवन जी रहा है, और जिसको मालूम है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है वो भी पुण्य कम कर रहा है और पाप ज्यादा कर रहा है। तो जानने का महत्व क्या हुआ? इससे अच्छा था कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। अब जब मुझे मालूम पड़ गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इसकी जानकारी नहीं करनी चाहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। मुझे दोष और गुण का अगर भान है, जिन्हें नहीं है वे तो अज्ञानी है, उनको तो क्षमा दान किया जाना चाहिए, लेकिन मैं तो जानता हूं कि क्या मेरे जीवन का उत्थान है और क्या मेरे जीवन में पतन करने वाली चीजें, फिर भी मैं उन पतन के कारणों को अपनाता हूं और अपने उत्थान के कारणों से विमुख होता हूं। बात क्या है? ऐसा मेरे भीतर विचार आना चाहिए, हम सबके भीतर विचार आना चाहिए। एक सेठ जी थे, बहुत जानकार थे, सब बातें जानते थे, दुनिया की जितनी हो सकती है। हाँ, ऐसा होता है, कई लोग रहते हैं जो बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन जानकारी ना उनके जीवन को संभाल पाती है, उनके जीवन को नहीं संभाल पाती तो उनकी जानकारी से दूसरे का जीवन भी नहीं संभाल पाता, क्योंकि लोग जानकारी आपकी वाणी से ज्यादा आपके जीवन से हासिल करते हैं। ये ध्यान रखना, कोई इतना बुद्धू नहीं है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो आपके जीवन में कहां तक घटित हुआ है, उससे मैसेज मिलता है, अकेले इससे नहीं मिलता कि आपको जानकारी क्या है। आप उस जानकारी के साथ साथ अपने जीवन को कैसा जीते हैं, इससे जो जानकारी मिलती है वो सबसे बड़ी जानकारी है। अपने जीवन में हम देखें कि हम जानते कितना हैं और जीते कैसा हैं। बस ये एक चीज, दोनों के बीच में मैं कोई सामंजस्य कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, जानता तो बहुत हूं लेकिन जीता हूं बिल्कुल अज्ञानता में। बातें करता हूं मैं ज्ञान की, अज्ञानता के मायने क्या? किसी को अज्ञानी मत कह देना भैया, नहीं तो नाराज हो जाएगा वो। अज्ञानता इस बात की है कि मैं जिन चीजों में मेरा अहित है वो जानते हुए भी उनमें इन्वॉल्व होता हूं, यही तो मेरी अपनी अज्ञानता है। वैसे मैं बहुत जानता हूं, बहुत सी चीजें। वो सेठ जी भी जानते थे, एक दिन उनके घर में चोर घुसे, उनकी जीवन साथी तो बहुत उनसे इस बात को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो कभी भी कोई भी बात उनसे कहती थी तो वो यही कहते थे कि मैं जानता हूं। बड़ा कठिन, ऐसे लोगों से बहुत कठिन रहता है। तो जब चोर घुसे तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि चोर घुस गए घर में, ऐसा लग रहा है, मैं जानता हूं, सो जाओ चुपचाप, हल्ला मत करो। बड़ी मुश्किल। फिर जब खटपट की आवाज आई तो अब तो रहा नहीं गया उनसे, हालांकि उनको मालूम था कि ये फिर वही कहेंगे। फिर से हिलाया,
देखो वो कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं। अरे कहला जब घर में घुसे हैं तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, हम जानते हैं। कहानी में ऐसा होता है, जीवन में लगेगा आपको कि ऐसा नहीं होता, लेकिन इतने स्थूल अर्थ नहीं है इस कहानी के। अगर जीवन में हम झांक के देखेंगे सूक्ष्मता में, तो हम भी ऐसा ही करते कहते हैं। जब कोई अपन से कहता है कि ऐसा करने में अपना आहित है, हमें मालूम है रेंदू मनो कर है वो ही ऐसा ही है। हालांकि चोर घुसे तो कोई ऐसा जवाब नहीं देता, पर अपन क्या करें, कहानी में जल्दी समझ में आ जाएगा। वो क्या जवाब दे रहे हैं, जब चोर घुसे हैं घर में तो तोड़फोड़ नहीं करेंगे, ताला नहीं तोड़ेंगे, तो और क्या करेंगे, सो जाओ चुपचाप। वो हमें बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि हमारी इस तरह की जानकारी हमारे जीवन को कितना ऊंचा उठा पाई है या नहीं उठा पाई, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और जब चोर सामान लेकर के सेठानी देख रही है, हिम्मत नहीं बढ़ रही, लेटी है चुपचाप, देख रही कि सामान भी बांध लिया और सिर पर रख के ले जा रहे हैं, तब तो जोर से हिला के कहा कि वो ले जा रहे हैं। कह रहा है जब इतनी मेहनत करी है उनने तो का खाली हाथ लौटेंगे, मैं जानता हूं। अब बताओ आप सेठ जी को बुद्धू समझ रहे होंगे, लेकिन अभी वो सेठ जी बुद्धू नहीं है, अभी तो बिल्कुल बिल्कुल जानकार की तरह कह रहे हैं। सुबह जब उनकी नींद खुलती है तब बाहर बैठे दरवाजे पर माथा पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि लुट गया मैं। अब समझ में आई उनकी गैर बुद्धिमत्ता, आई समझ में। हम लोगों के जीवन में भी आखिरी समय समझ में आती है कि वाकई में ज्ञानी थे या कि अज्ञानता में जीवन जिया है, वाकई पुण्य और पाप जानते थे, ये बाद में मालूम पड़ेगा जब हम चीखेंगे चिल्लाएंगे कि जीवन भर कुछ नहीं कर पाए। जानते तो सब रहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जीवन भर वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए, और जीवन में वो नहीं छोड़ पाए जिसे छोड़ देना चाहिए। इससे पहले कि जीवन की आखिरी घड़ियां आए, क्यों ना हम ये मान लें कि आ गई हैं घड़ियां, और आज ही विचार कर लें कि मेरी अपनी जानकारी मेरे जीवन को ऊंचा उठा रही है कि नहीं उठा रही है। और फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन अपने आप से पूछने के लिए वो कहते हैं कि व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, सब समझ में आ गया, इतनी बातें करने के बाद बहुत समझ में आ गया, तो अब जरा सोचो कि फिर क्या तरीका होना चाहिए जीने का। ये तय किया कि नहीं किया, इतने समझदार हो गए, सारे प्रश्न चार प्रश्नों के जवाब दे लिए, लेकिन अभी भी बाकी है, व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ। तब जब मालूम पड़ गया है कि पुण्य और पाप का महत्व ये है, मेरे जीवन को ऊंचा उठाता है पुण्य और पाप मेरे जीवन को पतित करता है, तो फिर अब लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए ये तय किया कि नहीं किया, नहीं तो फिर आधा अधूरा मामला। तो फिर अपने जीवन को कैसे जीना, अत्यंत सहजता से, अत्यंत हार्दिक होकर के, बस दो ही चीजें, अत्यंत सहज बहुत इजी और बहुत हार्दिक। ठीक ऐसे ही जैसे कि किसी के साथ ट्रेन में दो दिन के लिए मिलते हैं और उसके साथ जीते हैं, ठीक इतने ही हार्दिक और इतने ही सहज। कोई रिश्ता कायम नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है। अभी तो हमारे बने बनाए रिश्तों को नहीं निभा पा रहे हम, क्या विचार करें हम अपने वे ऑफ लाइफ पर, क्या हमारा सचमुच सहज है जीवन और हार्दिक है। हमने वस्तु और व्यक्ति से जो संबंध बनाए हैं, क्या वो बिल्कुल सहज हैं और हार्दिक हैं? तब फिर मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जीने का ढंग क्या है। हमें अब अपने जीने का ढंग बदलना चाहिए। सूरज की रोशनी आकर के सुबह हमें सारी चीजें दिखाती है, संसार का दर्शन कराती है, हवाएं हमें आकर सहलाती हैं, जल हमारे जीवन में मदद करता है, ये सब बहुत बहुत सहजता से हमारे हमारे जीवन में है, शामिल है। क्या ठीक इसी तरह से इनके प्रति मेरा व्यवहार है, इतना ही सहज और इतना ही हार्दिक? नहीं है, तो फिर मुझे अपना वे ऑफ लाइफ तय करना चाहिए कि वो अत्यंत सहज हो और अत्यंत हार्दिक हो। इस पर अपन बिल्कुल अलग विचार करेंगे। एक इतवार अपन इसी पर विचार करेंगे कि हमारा अपना जो जीवन है वो कैसे हार्दिक और सहज बने। पर हमने आज सिर्फ इतना ही तय किया है कि हाँ,
हमारा वे ऑफ लाइफ जो है बहुत सहज और हार्दिक होना चाहिए। क्योंकि किसी ने मेरे से कहा था कि कभी हो सके तो एक फैमिली को किस तरह से जीना चाहिए, इस पर आप जरूर अपने विचार दें। 97 के बाद अभी तक मैं मन नहीं बना पाया हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इंदौर में 97 में हमने इस बात पे विचार किया था, तब से उसके बाद ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बहुत कुछ इस बात को सोचता हूं कि जब आके बैठ जाता हूं तो देखता हूं कि आपके अंदर किस तरह आपकी भावनाएं और मुझे प्रेरित करती हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरा मन बन गया है। मैं जरूर से और इस चीज को जरूर कहूंगा कि कैसे सहज और हार्दिक होकर के भी हम अपनी गृहस्थी जी सकते हैं और गृहस्थी से धीरे से पार हो सकते हैं। आज जितनी सहजता और हार्दिकता साधु जन में भी नहीं दिखाई पड़ती है, वो एक गृहस्थ के जीवन में भी प्राप्त हो सकती है, होना चाहिए। वे ऑफ लाइफ कम से कम उसके अपने जीवन में तो होनी चाहिए जो पाप और पुण्य के बारे में राय रत्ती जानता है। उसके जीवन में तो उसकी स्टाइल बिल्कुल सहज और हार्दिक होनी चाहिए। और आखिरी चीज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ? आपका डेथ का कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो 5 प्रश्न अपने जीवन के बारे में, लेकिन एक प्रश्न मृत्यु के बारे में भी है। मेरे अपने मृत्यु के बारे में मैं क्या सोचता हूं? मेरी अपनी मृत्यु की तैयारी है या नहीं है? जैसे मैंने अपने पूरे जीवन की तैयारी की है, ऐसे ही मेरे अपने मृत्यु की तैयारी की है? मैंने जैसे जीवन की सारी यात्राओं के लिए हमेशा जब भी जहां निकला हूं तो होल्डाल तैयार किया है, सूटकेस तैयार किया है, ऐसे ही मेरी अपनी मृत्यु की तैयारी है या नहीं है? इसके पहले कि मृत्यु आएगी, मैंने अपना होल्डाल और अटैची तैयार की है नहीं है? मैं उस महायात्रा पर निकलूंगा तो मेरे अपने मन में उसके प्रति कोई चौर्म है कि नहीं है, या उसके प्रति भय है, उसके प्रति घबराहट है? उस मृत्यु के प्रति भय और घबराहट है अगर, तब तो फिर ये 5 प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं है। अगर इन 5 प्रश्नों का समाधान मिल गया है तो 6वें प्रश्न का समाधान बहुत आसान हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन को हार्दिक और सहज जीता है, उसके लिए मृत्यु तो एक बहुत बड़ा एंजॉय है, वो उसका स्वागत करेगा कि ठीक है, मैं हमेशा तैयार हूं। हो सकता है कि आज जब यहां से सबको आशीर्वाद देकर के मैं अपने बारे में सोचता हूं, यहां से आशीर्वाद देकर के सीढ़ियां चढ़ूं और आधी सीढ़ियों पर जाकर के और सांस पूरी हो जाए जो मैं लेके आया था, तब मेरे मन में ये शिकायत अपने आप से नहीं होनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाया और मैं वो नहीं कर पाया, मुझे आज जो कर लेना था मैंने कर लिया। क्या इस तरह का हमारे मन में मृत्यु के बारे में विचार है? होना तो यही चाहिए। इसके पहले कि मृत्यु आए, मैंने अपना सारा काम एक क्षण पहले तक का, अगले क्षण मृत्यु का है, मुझे मालूम पड़ गया है कि अगला क्षण मृत्यु का है, उसके पहले के एक क्षण को मैंने इतने सार्थक होकर के जिया है कि मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती है। मृत्यु उनका बिगाड़ती है जो अपने हाथ से अपना जीवन बिगाड़ते हैं, मृत्यु उनका बिगाड़ नहीं कर पाती जो अपने जीवन को संभाले रहते हैं। ये चीज हमारे मन में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। हमने अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया है, अगर तो मृत्यु उसे मार नहीं सकती, और हम अपने जीवन को सहम ही नष्ट कर रहे हैं तो मृत्यु क्या मारेगी? वो तो सहम ही नष्ट हो रहा है। बताइए, मृत्यु क्या जीवन को नष्ट कर सकती है? मृत्यु तो देह को नष्ट कर सकती है, देहावसान हो सकता है, आत्मावसान तो नहीं होता। आत्मा का पतन तो मेरे हाथ में है, मृत्यु मेरे आत्मा का पतन नहीं कर सकती। मैं उसको सहम नष्ट करता हूं अपने जीवन को। हमें लगता जरूर है कि मृत्यु आकर के मेरे जीवन को नष्ट कर देगी, मृत्यु नष्ट नहीं करती, मेरा जीवन मैं खुद नष्ट करता हूं। ये विचार हमारे मन में होना चाहिए। इन 6 प्रश्नों का उत्तर यदि हम ठीक ठीक खोज लेते हैं तो जरूर हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठेगा और बहुत अच्छा बनेगा। मुझे याद आता है शायद कि मैंने आपको वो उदाहरण सुना दिया, लेकिन सोच के तो आया था कि कोई और उदाहरण याद आ जाएगा, लेकिन आ नहीं रहा, इसलिए वो ही सुना देता हूं। मुझे 2 याद आए तो दोनों में से मुझे लग रहा है ये भी कि मैं दोनों सुना चुका हूं। दोनों तो नहीं सुनाऊंगा आज, क्योंकि सुने सुनाए, 2-2 उदाहरण सुनाए तो ज्यादा दिक्कत होगी आपको, सुना सुनाए, एक ही सुनाए तो फिर भी आप झेल लेंगे, इतने दिन से तो झेलते ही आ रहे हैं। मैं ऐसा कह के अपने को बचा लेता हूं, थोड़ी कम मेहनत कर रहा हूं इन दिनों, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि मुझे
ये याद ना रहे कि मैंने ये उदाहरण सुनाया है कि नहीं सुनाया, नरेंद्र के जीवन का है, विवेकानंद के जीवन का है। जीवन को मृत्यु से बचा लेना, अगर इसका पुरुषार्थ हम करें तो मृत्यु हमारे लिए मार नहीं सकती। बात सिर्फ इतनी है, 12-13 वर्ष के रहे होंगे, नरेंद्र नाम था उनके बचपन का, विवेकानंद के, और वे मेला देखने गए थे मां से पैसे लेकर के, और मेरे से गुड्डा गुड़िया खरीद के लाए थे। पहले गुड्डा गुड़िया मिलते थे तो माटी के मिलते थे, प्लास्टिक के नहीं मिलते थे। अब तो प्लास्टिक के मिलते हैं तो उनके टूटने का डर ही नहीं रहता, जबकि वे पहले से ही नष्ट हो चुके हैं। जीवन भी इतना ही आर्टिफिशियल हो जाए तो वो नष्ट हुए के समान ही है, और माटी के वो लेके आ रहे हैं, और रास्ते में देखते हैं कि एक तांगे वाला चला आ रहा है बहुत तेज तेज तांगा लेकर के, और एक परिवार जा रहा है, माता पिता हैं और उनका एक छोटा सा बेटा है, बहुत छोटा सा, वो जो एक बेटा वहां खेल रहा है उतना छोटा, हाँ, और वो दौड़ रहा है मां के आगे आगे जा रहा है, और सामने से उसको तांगा, उसे क्या डर, वो क्या जाने मृत्यु का भय, वो तो जीवन का आनंद लेता है। तांगा बिल्कुल करीब आ रहा है और संभव है कि उसके ऊपर से निकल जाए, और ये देख रहे हैं अपनी गोद में मिट्टी के खिलौने रखे हुए हैं, और उधर देख रहे हैं कि वो 4 साल का बेटा तांगे के नीचे अब आया, और पलक झपकते माता पिता तो कुछ समझ पाए इससे पहले ही, और अपने खिलौने एक तरफ फेंक करके उस बच्चे का हाथ पकड़ के खींच लिया और माता पिता के पास खड़ा कर दिया, अपने टूटे खिलौने फिर से उठाए और आगे बढ़ गए। घर पहुंचे वो दोनों माता पिता और उस बेटे को, वो सोच में पड़े हैं कि ये किसका बेटा है जिसने कि हमारे इस छोटे से बेटे का जीवन बचा लिया। असल में जिसको अपने जीवन के बचाने की भावना है, उससे किसी के जीवन को क्षति नहीं पहुंच सकती, सबका जीवन उससे बच जाता है जो अपने जीवन को बचाए रखता है, और यही उन्होंने किया था, इसलिए कोई अवार्ड की उनको जरूरत भी नहीं थी, किसी उनको सम्मान की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिसे सम्मान की जरूरत नहीं है उसे ही तो सम्मान देना बहुत जरूरी है। जिन्हें सम्मान की जरूरत होती है जीवन में उन्हें कोई सम्मान नहीं देता, जिन्हें जरूरत नहीं होती है उन्हें कितना मिलता है ये तो दुनिया जानती है। और पीछे पीछे जा रहे हैं कि ये किसका बेटा है, जरा इसकी मां को धन्यवाद तो दे दें, और पहुंचते हैं घर में, और मां दरवाजा खोलती है तो नरेंद्र भीतर चले जाते हैं, और मां दरवाजा बंद करने को होती है कि वे दोनों माता पिता अपने बेटे को लेके आ जाते हैं कि आपका ही बेटा है वो जो भीतर गया। हाँ मेरे बेटा, क्यों, कुछ गलती हुई क्या? गलती क्या, हम तो आपको पैर छूने आए हैं आपके, कि ऐसे बेटे को आपने जन्म दिया, हमारा ये 4 साल का बेटा तांगे के नीचे बस आने को था लेकिन आपके बेटे ने बचा लिया, और हालांकि उसके खिलौने टूट गए हैं। तब मां ने भीतर जाकर कमरे में और 12-13 साल के अपने बेटे नरेंद्र को गोद में उठा करके सारे घर में खुश होकर के, आंख से आंसू बहते जा रहे हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट है, और सारे घर में घूमी थी कि आज तुम्हें जन्म देना मेरा सार्थक हो गया, तुमने इन माटी के खिलौनों को टूट जाने दिया लेकिन किसी का जीवन न टूट जाए इस बात का ध्यान रखा। जो जीवन को बचाने के लिए तत्पर है उसे मृत्यु मार नहीं सकती, ये अगर सोच हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन जरूर से ऊंचा उठेगा। क्या सचमुच ऐसा ही हम अपने आसपास जीवन बचा पा रहे हैं? शायद नहीं बचा पा रहे हैं। जगह जगह खबरें सुनने में आती हैं जीवन को नष्ट करने की। हम अपने जीवन से भी दूसरे के जीवन को नष्ट ही करते हैं, हम उसे बचाते नहीं हैं। सिर्फ हमें अपने जीवन के या कि अपने देह के नष्ट हो जाने का भय जरूर है, लेकिन हमारा जीवन कितना नष्ट होता जा रहा है, और हमारे अपने लाइफ स्टाइल से दूसरे का जीवन कितना नष्ट होता चला जा रहा है, इसकी हमें चिंता नहीं है।
इसलिए शायद ये प्रश्न भी आखिरी जरूरी था कि क्या कॉन्सेप्ट है आपका डेथ के बारे में, हमें अपने जीवन को बचाना है, इस तरह का विचार भी हमारे जीवन में और हमारे जीवन से औरों का जीवन बचे ये विचार भी हमारे मन में होना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का समाधान खोजकर हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ऊंचा उठाएं, इसी भावना के साथ आज हम सब बैठे हैं तो नमोकार मंत्र भी करेंगे कि हमारा जीवन अच्छा बने, हम इन प्रश्नों के ठीक ठीक समाधान खोज सकें। नमो अरिहंतानुम् ओम नमो सिद्धानुम् नमो आयर्याणम् ओम नमो अज्ञायाणम् नमो लोये सौवसाहूनम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् सावु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा सावु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सावु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।